नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में दो पक्षों में हुआ जमकर विवाद, पीड़ित गंभीर रूप से हुआ घायल। मामला फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र 60 फुटा का है, जहां पर आरिफ खान पुत्र बाबू डिब्बी वाले, जो कि अपनी जमीन की पैमाइश करवाने के लिए लेखपाल के साथ अपनी जमीन पर पहुंचे, तो वहां पर कुछ दबंगों ने उनके साथ जमकर मारपीट की, जिसमें पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि पीड़ित का कहना है कि आरोपी दबंग व्यक्ति गुंडा प्रवृत्ति का है और पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। आरोपी दबंग व्यक्ति का भय आसपास पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। मेरे साथ मारपीट व मेरे साथ लूट की घटना को भी आरोपी ने अंजाम दिया व मुझे डराया धमकाया कि पुलिस में मुकदमा ना लिखें, समझौते के नाम पर कुछ रुपए देने की बात भी कही। और क्या कुछ कहना था पीड़ित का, आगे की खास रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। मेरा नाम आरिफ अली है। मेरा जमीन का व्यवहार चल रहा 60 फुटे पे। लेखपाल जी आए थे पैमाइश करने, पैमाइश करते हुए उन्होंने दुकान तो बुलाया दूसरी पार्टी ने, अजीम लकड़ी वाले ने, उस पर उसने रोड पर मुझे धारदार हथियारों से मारा। मेरी चोट इतनी है मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। मेरा मोबाइल छीला, चैन थी सोने की वो मेरी छीन ली, दुकान के अंदर बंद कर दिया मुझे। मुझसे जो कहते हैं अपना केस नहीं खत्म कर दे, मुझसे 2 लाख रुपये ले ले, कहीं मर जा। क्या का केस चल रहा था खत्म कर? मेरे जमीनी विवाद नहीं, ये अभी जो चोट लगा है इसकी, जो कह रहे थे कहीं मत जा, जैसे चोट लगी हम करवाएंगे सब कुछ, हमसे अभी 2 लाख रुपये ले ले हल्के हाल, कोई समझौता नहीं कहीं, हम तुझे घर तक छोड़ के आएंगे। अच्छा, मेरी एक मोबाइल छीन लिया। कितने लोग थे वो लोग जो मार रहे थे? 3 या 4 लोग थे। अच्छा, हाँ। आपके परिवार से कितने लोग इंजर्ड हुए? मेरे परिवार से मैं अकेला आया हुआ था सिर्फ। अच्छा, लेखपाल जी साथ में आए हुए थे मेरे पैमाइश करने। ठीक है, मेरे साथ कोई नहीं था XYZ। अच्छा। वहाँ की पब्लिक आवाम बता देगी किसके साथ कौन था। कौन लोग थे वो जो मार रहे थे आपको? वो अजीम लकड़ी वाला एक जो बहुत ही गुंडे टाइप में है, जिसने आज से 10-12 साल पहले 2-3 लकड़ी के ट्रक भी गायब करे रामपुर के। अच्छा। वो उस विवाद में भी वो जेल जा चुका है। अच्छा। वो इसी में ही चाहता और उसने 600 फुट सरकारी जमीन घेर लिया है। अच्छा। और कौन लोग? और उसमें अजीम लकड़ी वाले के 2 बेटे थे, नाम मुझे उसकी अभी बता दूंगा मैं, जो मेरे उसमें पेपरों में। अच्छा।